व्यवस्था के लिए आज डीएम साहब के जो हमारे नवागंतुक रिवंश डीएम साहब हैं उनके साथ में मीटिंग की गई है और उसमें लॉ एंड ऑर्डर की सारी उसको ब्रीफ किया गया है, सारी तैयारियों के बारे में बताया गया है। ड्रोन्स हो चाहे वो पुलिसकर्मी जो 2000 पुलिसकर्मी है या 2 पीएससी कंपनी वगैरह जो व्यवस्था उसके बारे में ब्रीफ किया गया, जॉइंट मजिस्ट्रेट्स और जो हमारे पुलिस अधिकारी हैं उनके सेक्टर जो ड्यूटी लगाई है उसके बारे में ब्रीफ किया गया। अब जो है वो सभी जनपद वासियों से मेरी अपील है कि किसी भी प्रकार की अफवाहों से बचें, सोशल मीडिया पर हमारी लगातार नज़र है और जो अपना जीवन है उसको सुचारू रूप से चलाएं, किसी भी प्रकार की अफवाह चाहे वो बंद की हो या किसी और तरह की अफवाह हो उस पर बिल्कुल विश्वास ना करें और अपना जो नॉर्मल जीवन यापन है उसको करें और शांति और सुव्यवस्था के लिए फिरोजाबाद पुलिस प्रशासन कटिबद्ध है। सर आज क्या हुआ? आज यहाँ जनपद में आगमन के बाद हमने एक समीक्षा बैठक की है कप्तान साहब के साथ और पूरी तैयारियों के बारे में हमने विस्तृत चर्चा की है और सब कुछ प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी है, पूरी जनपद में शांति सद्भाव बना रहे इसकी पूरी व्यवस्था की गई है, ड्यूटी लगी हुई है हर जगह। फिरोजाबाद जनपद के निवासियों से मेरी ये अपील रहेगी कि किसी भी तरह की कोई अफवाह पर ध्यान न दें, अपने जो जीवन है उसको सुचारू रूप से चलाएं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोविड के जो प्रोटोकॉल हैं उसका पालन करें। जनपद में 144 धारा लगी हुई है उसके जो शर्तें हैं नियम हैं उसका पालन करें और प्रशासन की तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि एक हम लोग शांति व्यवस्था मेंटेन रखेंगे और आप लोग से जो सहयोग है उसके